असलम वेलकम टू या एवरीडेक एवरीडे में आज हम आपके लिए लेकर आए हैं इजी ब्रेकफास्ट रेसिपी जो हेल्दी भी है और टेस्टी भी है अगर आप रोज़ मॉर्निंग में पराठे खाते हैं और पराठे खाते, खाते खाते आपका मन भर गया है तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिए आई होप आपको ये बहुत पसंद आएगी तो चलिए बनाते हैं इसे बनाने के लिए हमें चाहिए उबले हुए आलू हमने यहाँ पर दो मीडियम साइज के उबले हुए आलू को अच्छी तरह ग्रेटेड कर लिया है आप चाहें तो इन्हें हाथों से भी मेश कर सकते हैं और अब हम इसमें शामिल करेंगे एक कप गेहूं का आटा वन टी स्पून चिली फ्लेक्स और वन टी स्पून अजवाइन अजवाइन को हाथ से हल्का सा क्रश करेंगे और फिर इसमें शामिल कर देंगे अब इसमें जाएगा नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसके साथ हम इसमें डालेंगे हाफ़ टी स्पून चाट मसाला साथ में इसमें शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून गर्म मसाला पाउडर और हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर इसके साथ हम इसमें तीन से चार बारीक कटी हुई हरी मिर्च शामिल करेंगे और साथ में इसमें जाएगा हरा धनिया और इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे कसूरी मेथी वन टी स्पून कसूरी मेथी इसमें डाल देंगे और अब हमें इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद हम इसमें थ्री टेबल स्पून घी या ऑयल शामिल करेंगे हम इसे हाथों की हेल्प से बहुत अच्छी तरह मिक्स करेंगे और अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा मिल्क दूध के साथ हम ये आटा गूंदने वाले हैं और एक अच्छा सा डो रेडी करने वाले हैं हम इसमें थोड़ा सा मिल्क डालेंगे और इसे अच्छी तरह गूंदेंगे हमें जितने मिल्क की यहाँ पर ज़रूरत होगी हम उतना ही मिल्क इसमें डालेंगे और इस तरह से इसे गूंदते हुए एक अच्छा सा डो रेडी कर लेंगे हमें डो को मीडियम सॉफ्ट रखना है डो रेडी करने के बाद हम इसे पाँच मिनट के लिए ढककर रख देंगे ताकि ये बहुत अच्छी तरह सेट हो जाए आफ्टर फाइव मिनट्स चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं इस तरह में से छोटा सा पोर्शन लेंगे और इसकी प्यारी सी लोई बनाएंगे इस तरह से लोई बनाने के बाद हम इसे रोल करेंगे हमें इसे पूरी के शेप में रोल करना है इस तरह रोल करने के बाद हम इसे फ्राई करेंगे इसके लिए एक पैन में ऑयल गर्म करेंगे और बहुत केयरफुली उठाकर इसे ऑयल में डाल देंगे थोड़ी ही देर में हम देखेंगे ये फ्लोटिंग कंडीशन पर आ जाएगी अब हमें चम्मच से इस पर थोड़ा थोड़ा ऑयल डालते रहना है जिससे ये फूल जाएगी इसका मतलब है एक साइड से हमारी पूरी बहुत अच्छे से सीख चुकी है अब हम इसे पलट देंगे ताकि दूसरी साइड से भी बहुत अच्छे से सीख जाए आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरह से सीख चुकी है अब हम इसे बाहर निकाल लेंगे और बाकी की पूरी भी हम इसी तरह से फ्राई करेंगे लीजिए ये बिल्कुल रेडी है अब आप सोच रहे होंगे इसे हम खाएंगे किस तरह से इसे हम खाएंगे मीठे दही के साथ या मसाला दही के साथ आप जैसे चाहें वैसे खा सकते हैं तो ट्राई कीजिए बनाइए और हमें बताइए आपको हमारी ये रेसिपी कैसी लगी अगर आपको पसंद आई है तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल जायका एवरीडे को सब्सक्राइब ज़रूर करें दुआओं में याद रखें अल्लाहफि